फ्रेंड्स, मैं अक्षिता सिंह। मेरे चैनल माय ब्लॉसम लाइफ में आप सबका स्वागत है। आज मैं आपको हल्दी का अचार बनाना बता रही हूँ। हल्दी का अचार बनाने के लिए हमने 500 ग्राम हल्दी ली है, और हल्दी का अचार बनाने से पहले हम हल्दी को वॉश कर लेंगे। वॉश करने के बाद इसे 2 घंटे धूप में सुखा देंगे। उसके बाद ये अचार बनने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, हल्दी का अचार बनाने से पहले हल्दी को हम पील ऑफ कर लेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, मैंने सभी हल्दी को पील ऑफ कर लिया है। अब इन्हें कट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने सभी हल्दी को कट कर लिया है। अब चलिए इसके मसाले हम तैयार कर लेते हैं। मसालों में हमें क्या क्या चाहिए? तो फ्रेंड्स, मसालों के लिए हमें चाहिए जीरा, सौंफ, अजवाइन, मेथी दाना, कलौंजी, काली मिर्च और सरसों। तो फ्रेंड्स, इन सभी मसालों को एक बाउल में निकाल लेते हैं, फिर इन्हें भूनेंगे। तो फ्रेंड्स, अब मैंने तवा गरम कर लिया है और तवे पर इन सबको हल्का हल्का भूनेंगे। तो फ्रेंड्स, इन्हें बहुत ज्यादा नहीं सेकना है। हल्का हल्का सा जब ये ब्राउन होने लगे तो गैस को हमें ऑफ कर देना है और इन्हें तवे से उतार लेना है। देखिए, मैंने ये तवे से उतार लिए हैं। अब इन्हें थोड़ी देर ठंडा होने के लिए रखेंगे। तो फ्रेंड्स, जब तक हमारे मसाले ठंडे होते हैं, हम हल्दी को भी फ्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पे फ्राई करने के लिए मैंने लोहे की कढ़ाई ली है, और इसमें लगभग 2 बड़े चम्मच मैंने सरसों का तेल डाला है। तेल गर्म होने पर हम हल्दी को फ्राई करेंगे। हल्दी को हमें लगभग 5 मिनट तक फ्राई करना है। तो फ्रेंड्स, हमारी हल्दी सिक चुकी है। चलिए अब मसाले पीस लेते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारे मसाले पीस चुके हैं। आप चाहे तो इन्हें बिना पीसे भी डाल सकते हैं, या थोड़ा दरदरा करके भी डाल सकते हैं। तो चलिए, अब हम इन्हें हल्दी में मिक्स करते हैं। तो फ्रेंड्स, गैस हमने ऑफ कर दिया है, लेकिन हल्दी अभी भी थोड़ी गर्म है, तो इसी में हम मसाले डालेंगे, जिससे हमारे मसाले भी पक जाए। मसाले डालने के बाद इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और 2 मिनट के लिए चला लेंगे। तो फ्रेंड्स, अब हमारा अचार तैयार हो गया है। अब हम इसे प्लेट में निकाल लेंगे और ठंडा होने के लिए रख देंगे।
तो फ्रेंड्स, हमारा अचार ठंडा हो चुका है, चलिए अब इसे जार में भर लेते हैं। यहाँ पर अचार भरने के लिए मैंने कांच का जार लिया है, प्लास्टिक के जार में अचार नहीं भरना चाहिए। तो फ्रेंड्स, अचार का कलर आपको थोड़ा काला नजर आ रहा होगा, क्योंकि इसमें हमने कलौंजी को भी पीसा था, इसलिए इसका कलर थोड़ा सा काला नजर आ रहा है। अगर आप चाहे तो कलौंजी को अवॉइड कर सकते हैं, कलौंजी हमारी सेहत के लिए काफी अच्छी होती है, इसलिए मैंने कलौंजी को इसमें ऐड किया है। तो फ्रेंड्स, आप चाहे तो इसमें विनेगर भी ऐड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा अचार बिल्कुल तैयार है, हमने इसे जार में भी भर लिया है। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी? अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और मैं DIY की वीडियो भी बनाती हूँ, अगर आप चाहे तो उन्हें देख सकते हो। तो फ्रेंड्स, अभी के लिए इतना ही, फिर से मिलेंगे एक और नई रेसिपी के साथ। बाय बाय।